देखिए एक्सरसाइज 5.3 घातांक और करणी। एक्सरसाइज 5.3 घातांक और करणी। क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 5.3 घातांक और करणी। देखिए लिखा है 36, करणी में है 5। करणी में कितना है? 5। तो इसको लिख सकते हैं बराबर, बहुत सरल सवाल है। 36 घाते 1/5, ये सबसे सरल सवाल है। फिर आगे देखिए 27, करणी में 4। 27 करणी में 4, इसको लिख सकते हैं 27 की घाते 1/4। थर्ड अगला लिखा है 32 की घाते 3। चौथा देखिए, चौथा इसी के चौथा देखिए 61/325। क्या लिखा है? 61/325। करणी में लिखा है 61/325, करणी में लिखा है 8। क्या लिखा है? करणी में 8। बराबर कुछ भी नहीं करना इसमें, 61/325 और करणी में है 1/8, इसलिए यहाँ इसकी घाते 1/8 हो गई। क्या हो जाएगी? 1/8। कोई प्रॉब्लम? और इसी नंबर पे कोई तुमको दिक्कत हो रही हो? एक और लगवा देते हैं, छठवां नंबर देखिए, या 81/99। तीसरा नहीं है, चौथा है। कौन सा है? चौथा। पांचवा देखिए 81/99, करणी में है 9। क्या होगा 1/9। ठीक, अब इसके और सवाल इस नंबर के लगा लेना स्वयं। दूसरा देखिए, दूसरे का फर्स्ट बत्तीस 2/5। क्या लिखा है? 32 2/5। दूसरे के फर्स्ट इसमें देखिए क्या कहता है, मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान, तो इसको तो लगाना पड़ेगा भाई। तो 32 की घाते 2/5 है, तो 32 के गुणनखंड कर दो।
छे एक। 32 घाते 2 बटे 5 बराबर, इसको लिख सकते हैं 2/5, यानी 2 की घाते 5 गुणे 2/5, 5 कट गए, क्या आया 2 की घात 2 बचा बराबर 4 आंसर। कितना आया 4। 32 की घाते 2/5, 32 के गुणनखंड खंड कर दिया हमने, तो 32 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से 16 आया, फिर 2 से काटा तो 8 आया, फिर 2 से काटा तो 4 आया, और इसके बाद 2 से काटा तो 2, फिर 2 से काटा तो 1। और 32 की घाते 2/5 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 की पावर 2/5, तो 2 की घाते 5 गुणे 2/5, इस 5 से 5 कट गया घात घात, तो 2 की घाते 2 बचा, तो 2 की घाते 2 बराबर 2 में 2 का गुणा करेंगे क्या आएगा 4। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, दो हजार सात सौ चवालीस की घाते दो बटे तीन, तो 2744 के गुणनखंड पहले कैसे करेगा, 2 से देख के 2 × 3 = 6 × 7 = 14 × 2 = 4, फिर 2 से घटेगा तो 6 × 12 = 16 × 2 = 12, फिर 2 से घटेगा तो 3 × 6 = 8, 3 × 6 फिर 7 से घटेगा, 7 × 6 = 28, 7 × 9 = 63, फिर 7 से घटेगा, 7 × 7 = 49, फिर 7 से घटेगा तो 1, ठीक है। तो देखिए बराबर ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7 की घाते 2/3 बराबर 2 की घाते 3 × 2/3, फिर गुणे 7 की घाते 3 × 2/3, 3 से 3 कट जाएगा बराबर 2 की घाते 2 × 3 की घाते 7 की घाते, ये 3 से 3 कट जाएगा 2, तो बराबर 2 × 2 = 4 × 7 = 49, 4 × 9 = 36, 4 × 16 = 16, 3 = 19, 196 आएगा, क्या आएगा 196। फिर से देखिए 2744 के गुणनखंड ने किया, 2 से काटा 1372 आया, फिर 2 से काटा 686 आया, फिर 2 से काटा 343 आया, फिर 7 से काटा 49 आया, फिर 7 से काटा तो 7 आया, फिर 7 से काटा तो 1 आया, ठीक है। तो 2744 की पावर 2/3, यानी 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7 की घाते 2/3, यानी 2 की घाते 3 × 2/3 × 7 की घाते 3 × 2/3, 3 से 3 कट गया, तो 2 की घाते 2 × 7 की घाते 2, 2 की घाते 2 का मतलब होता है 4 × 7 की घाते 2 का मतलब होता है 49, तो 4 × 49 का गुणा किया, 4 × 9 = 36, 4 × 16 = 3, 19, 196 आंसर आया, समझ में आया।
32 बटे 243 की घात माइनस 4 बटे 5 सातवां नंबर। 32 बटे 243 की घात माइनस 4 बटे 5 तो 243 से गुणनखंड किया तो 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 3 एक 3, फिर 3 से 3 उन्नीस 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 नौ 27, फिर 3 से 3 को 9, फिर 3 से 3 के 3 को 9, फिर 3 से कटा 3, 3 नौ 27, फिर कितनी बार आएगा 5 बार, ठीक है। तो 32 के गुणनखंड भी कर दो, 16 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, इस तरह से क्या हुआ ये संख्या अगर बदली जाएगी तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 243 बटे 32 की घात 4 बटे 5, घात की ऋणात्मक संख्या हट गई, ठीक है। बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। की घाते 4 बटे 5 यानी 3 की घाते 5 गुणे 4 बटे 5 बटे 2 की घाते 5 गुणे 4 बटे 5, 5 से 5 कट गया, इससे 5 से 5 कट गया, बराबर आया 3 की घाते 4 बटे 2 की घाते 4 बराबर 81 बटे 16, 81 बटे 16, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। फिर से देखिए एक बार, 32 बटे 243 की घात माइनस 4 बटे 5 है, तो अगर घात में माइनस हो तो संख्या पलट देते हैं तो 243 बटे 32 की घात 4 बटे 5 बन गई। आप 243 के गुणनखंड किया तो 3 करके 3 5 बार आएगा, और 32 के गुणनखंड किया तो 32 में भी 2 5 बार आएगा, तो 3 की घाते 5 गुणे 4 बटे 5, घात में 4 बटे 5 है, 2 की घाते 5 गुणे 4 बटे 5, 5 से 5 कट गया तो 3 की घाते 4 बटे 2 की घाते 4, 3 की घाते 4 का मतलब होता है 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81, और 2 की घाते 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस तरह से 3 की घाते 4 बटे 2 की घाते 4 का मतलब हुआ है 81 बटे 16। आप कुछ होमवर्क नोट करिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तीसरा पांचवा छठवां, तीसरा पांचवा और छठवां, और क्वेश्चन नंबर दो में कौन से करने हैं तीसरा चौथा पांचवा आठवां, तीसरा चौथा पांचवा और आठवां, ठीक, ये स्वयं कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।